हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिव विद मी। दोस्तों, आज हम बनाएंगे टिंडे और भिंडी की मिक्स सब्जी। बच्चों को टिंडे की सब्जी बहुत कम पसंद आती है, परंतु यदि आप इस तरीके से टिंडे की सब्जी बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे भी इसे खाना पसंद करेंगे। मैं इसे भिंडी के साथ मिक्स करके बनाऊँगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने 150 ग्राम भिंडी और 500 ग्राम टिंडे लिए हैं। भिंडी को अच्छे से धोकर सुखा लिया है और टिंडों को भी धोकर पील कर लिया है। भिंडी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और टिंडे को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक प्याज को मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काटा है और एक प्याज को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है, उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाता है, इसमें हम थोड़ा सा हींग, एक छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच अजवायन, एक चम्मच दरदरा पिसा हुआ धनिया और एक छोटी चम्मच दरदरी पिसी हुई सौंफ डालेंगे और इन्हें 10 सेकंड के लिए भून लेंगे। जब सभी मसाले थोड़े से भून जाए, हम इसमें प्याज डाल देंगे जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें एक छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए हैं। अभी हम इसमें एक छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इन्हें थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं और मसाले से तेल भी अलग हो चुका है। अभी हम इसमें लंबे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक कर 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट तक पकाने के बाद हम इसमें 1 चम्मच मलाई डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई डालते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। मलाई को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी से इस सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कसूरी मेथी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें कटी हुई भिंडी और टिंडे डाल देंगे और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट तक ढक कर पकाना है। बीच बीच में हम इसे चलाते रहें ताकि सब्जी तली में ना लगे।
20 मिनट हो चुके हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्जी गली है या नहीं। देखिए हमारे टिंडे अच्छे से गल चुके हैं। इसमें भिंडी तो जल्दी पक जाती है पर टिंडों को पकने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी हम इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी टिंडे की सब्जी बनकर तैयार है। दोस्तों यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।